सुपरहिट के बाद सुपरहिट फिल्म दिलाने के बाद इस बार भी नेचुरल स्टार ननी और एक बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म आपकी नजदीक सिनेमाघर में लेकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्त, नेचुरल स्टार ननी की मॉच आर्टर तेलुगु फिल्म जर्सी अभी अभी थिएटर यानी आपकी नजदीक सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। इसी फिल्म को थिएटर यानी नजदीक सिनेमाघरों में देखने के बाद काफी सारे फैंस और ऑडियंस के मुंह में एक ही शब्द आ रही है, जर्सी फिल्म सुपरहिट। इसीलिए मैंने भी इसी फिल्म को थिएटर में जाकर एक बार देखा, जो कि मुझे काफी प्रभावित किया इसी फिल्म ने। इतने अच्छा और इतने बड़ा फिल्म के बारे में आपको कैसे पता चल सके, आज हम इसी फिल्म की रिव्यू करेंगे यानी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इसी फिल्म के अंदर क्या है जो आपको प्रभावित करेगा या नहीं। इसी फिल्म के अंदर स्टोरी यानी कहानी क्या है, इस फिल्म में आपको कितना अच्छा लगेगा और कितना बुरा लगेगा, इस सारी की सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के अंदर आपको देने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नेचुरल स्टार ननी की बहुत ही बड़ी फैन और उनकी साउथ फिल्म का दीवाना, तो इसी वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, क्योंकि दोस्त तुम्हारे एक एक लाइक हमको काफी सारे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसी फिल्म 19 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई स्पोर्ट्स ड्रामा तेलुगु लैंग्वेज फिल्म जिसका नाम है जर्सी, और इसी फिल्म को डायरेक्ट किया है गौतम तिन्नावरी ने। इसी फिल्म को म्यूजिक दिए है अनिरुद्ध रविचंद्र ने। अगर दोस्त इसी फिल्म की लाइक और रेटिंग की बात की जाए तो इसी फिल्म को IMDb के तरफ से 9.3 रेटिंग मिला है अब टॉप 10 से, जो कि इसी फिल्म को 97% लोगों ने लाइक किया है यानी पसंद किया है। इसी फिल्म की लाइक और रेटिंग से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसी फिल्म कितना अच्छा खासा फिल्म है। और दोस्त इसी फिल्म के अंदर आपको लीड स्टार कास्ट में नजर आएंगे नेचुरल स्टार ननी, श्रद्धा, हरीश कल्याण, सिंपादराज, सत्यराज, ब्रह्माजी और जयप्रकाश आदि स्टार कलाकार आपको इसी फिल्म के अंदर लीड स्टार कास्ट में नजर आएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल या घंटा के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ती है इसी फिल्म की स्टोरी यानी कहानी के तरफ। इसी फिल्म में अर्जुन यानी ननी एक उच्च प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी है जो 1980 में हैदराबाद की रणजी टीम में क्रिकेट खेलता है। उनकी इच्छा है कि ऐसे भारतीय क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन कुछ आंतरिक राजनीतिक कारणों के वजह से ननी को अगली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलने के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए ननी निराश होकर क्रिकेट खेल को छोड़ देती है। उसके बाद फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इसी फिल्म की हीरोइन श्रद्धा को ननी प्यार करके शादी करती है। ननी के ऊपर उनकी परिवार और उनकी पत्नी की जिम्मेदार होने के वजह से ननी एक नौकरी करती है, लेकिन बाद में ननी के ऊपर झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगा के ननी को नौकरी से निकाल देती है। नौकरी से निकालने के बाद अर्जुन यानी ननी एक बेरोजगार लड़का बन जाता है और अपनी पत्नी की मजदूरी के ऊपर भरोसा करती है। अपनी बेटा की छोटी सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भारतीय दल की क्रिकेट जर्सी को भी खरीद नहीं पाती है। दरअसल क्यों अर्जुन यानी ननी को भारतीय क्रिकेट दल में शामिल नहीं किया गया है। फिल्म के अंत में अर्जुन यानी ननी भारतीय क्रिकेट दल में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, अगर प्रवेश करेंगे तो कैसे प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के लिए ननी को क्या क्या तकलीफ उठाना पड़ेगा, वह इसी फिल्म की आगे की कहानी। इसी सारी चीज को जानने के लिए आप इसी फिल्म को थिएटर में जाके एक बार जरूर देखना पड़ेगा। सारी फिल्म की तरह इसी फिल्म में भी ननी उनकी बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस की है, क्योंकि दोस्त इसी फिल्म के अंदर अगर आप ननी की एक्टिंग और उनकी फीलिंग्स को समझेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसी फिल्म कितना अच्छा है और इसी फिल्म के अंदर ननी की एक्टिंग कितना बेस्ट लेवल का है। इस फिल्म के अंदर ननी और उनकी बेटा इस दोनों के बीच जो इमोशनल केमिस्ट्री सीन है, इस सीन को देखते देखते आपकी सांस रुक जाएगी। और इसी फिल्म की हीरोइन श्रद्धा की एक्टिंग को भी काफी सारे तारीफ करना पड़ेगा। आगे बढ़ती है इसी फिल्म की कुछ प्लस और माइनस पॉइंट की तरह। इसी फिल्म के अंदर जो पहला बड़ी प्लस पॉइंट है वो है इसी फिल्म के अंदर नेचुरल स्टार ननी की एक्टिंग। इसी फिल्म में दूसरी जो बड़ी प्लस पॉइंट है वो है इसी फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि दोस्त इसी टाइप का स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को जिस तरह बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए थी, इसी फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इसी टाइप का म्यूजिक सेट किया है। और दोस्त इसी फिल्म की जो तीसरी बड़ी प्लस पॉइंट है वो है इसी फिल्म की स्टोरी यानी कहानी, क्योंकि दोस्त इसी फिल्म की कहानी खेल प्रेमियों को और एक लेवल तक पहुंचाएंगे। दोस्त इसी फिल्म की जो चौथी बड़ी प्लस पॉइंट है वो है इसी फिल्म की स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग और सिनेमाग्राफी यानी चित्रोत्तोलन। आगे बढ़ती है इसी फिल्म की कुछ माइनस पॉइंट की तरह। दोस्त सारी फिल्म की तरह इसी फिल्म में भी माइनस पॉइंट है। इसी फिल्म की जो पहला बड़ी माइनस पॉइंट है वो है इसी फिल्म की कुछ बोरिंग सीन, क्योंकि आप इसी फिल्म को देखते देखते कुछ सीन में आपको ऐसा लगेगा फिल्म की कहानी थोड़ी सी स्लो चल रही है। और दोस्त इसी फिल्म की जो दूसरी बड़ी माइनस पॉइंट है वो है इसी फिल्म की क्लाइमैक्स सीन, क्योंकि दोस्त इसी फिल्म की क्लाइमैक्स सीन में आपको कुछ गड़बड़ देखने को मिलने वाली है। इसी फिल्म को एक ही शब्द में कहा जाए तो इसी फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, जो कि इसी फिल्म के अंदर क्रिकेट खेल को लेकर इमोशनल सेंटीमेंट भरी हुई है। इसी फिल्म क्रिकेट प्रेमियों को और एक पाद आगे ले जाएंगे। अगर दोस्त बात की जाए इसी फिल्म की रेटिंग की तो दोस्त इसी फिल्म को मेरे तरफ से 5 से 4 स्टार।